ये दो हमारे मित्र बने हैं यहाँ पर आकर, ये शिवसेना के प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशी होना चाहते थे, नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी खबरों में हैं। क्यों थे खबरों में आप? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील साहू है। यहाँ जो कि 10 के सिक्के जो चलन में नहीं थे, इस वजह से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता था कि 10 का सिक्का चले, जो कि भारतीय मुद्रा है। यहाँ बिल्कुल फुटकर व्यापारी और सब्जी वाले किसी ने नहीं लेते थे 10 के सिक्का। इस वजह से मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता था, इस वजह से मैं फॉर्म भरा। तो फिर आपने क्या किया शासन को बताने के लिए? मैंने मोहल्ले वासियों ने मुझे 32 किलो सिक्का, जो कि 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 1 के, 2 के सिक्के दिए, उनको मैंने फार्म खरीदा विधायक प्रत्याशी के लिए। विधायक प्रत्याशी के लिए आपने 10,000 रुपए के सिक्के देके फॉर्म खरीदा, फिर क्या हुआ? फॉर्म भरा आपने? फॉर्म भरा, जी हाँ फॉर्म भरा मैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं लड़ रहा हूँ। क्यों? वो थोड़ा नाराजगी थी पार्टी से, अब ठीक हो गया है। किस पार्टी से नाराज? बीजेपी से। शहर में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की, देश में बीजेपी की, सिक्के नहीं चल रहे थे तो आपकी नाराजगी थी, फिर वो नाराजगी दूर कैसे हुई? हो गया, दूर हो गया। अरे बताइए दर्शकों को, जानना चाहते हैं। दूर हो गया है नाराजगी? कैसे दूर हुआ? अब कुछ भी होगा, आगे की रणनीति बताई जाएगी बीजेपी वालों, इस वजह से दूर हो गया मेरे को। आगे की रणनीति बनाई जाएगी वो तो ठीक है, पर जो 10 रुपए के सिक्के नहीं चल रहे थे उसका क्या? वो सिक्का चलना चालू हो गया है। चालू हो गया? जी जी हाँ। तो वो क्या इंतजार कर रहे थे कि आप गुस्से में 10,000 के सिक्के लेके जाए, पहले ही कर देते? जी हाँ सर, समझौता अभी आएंगे आपके पास। चाचा धैर्य रखिए, आपसे भी आके समझौता पूछेंगे। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अब मुझे काम करना है, इस वजह से काम कर रहा हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में काम पाने का तरीका था क्या कि 10,000 के सिक्के जुटाओ, अखबार में आओ और काम पाओ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, क्या काम मिला है आपको भारतीय जनता पार्टी में? मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये निर्वाचन, ये आप नामांकन दाखिल करने के बाद सदस्य बने या पहले थे? पहले भी था, जी हाँ। तो आपको पार्टी वालों ने कहा नहीं कि भाजपा तो अपने अनुशासन का दावा करती है कि भाई आप अनुशासित सिपाही हैं, आप तो जाके निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं? नहीं, ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ गुरु, ठीक कैसे हुआ ये तो बता दो। नहीं बताओगे? जी हाँ। वो क्या बताओगे कि नहीं बताओगे? लो कैमरा रोलिंग है, इसमें रील नहीं लगता, डिजिटल है। जी, जी, जी। ए, ऐसे शर्मा रहे जैसे कुंवर कलेहू में बैठे हो। शादी हो गई आपकी? जी हाँ हो गया। हाँ तो वहाँ तो नहीं शर्माए थे ना सास के सामने भोजन करते वक्त? चलिए, हंसी मजाक का दौर चलते रहना चाहिए।